Ah. ऐसा फ्लेवर ऐसे करने का दिल करता है कि कुछ भी जो है ना वो ऐसे मजे मजे से आता ही। और क्रीमी ओए होए होए अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रज़ीज़ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एंड वेलकम टू द क्वारंटीन सीरीज़ पार्ट 3 बाय आरएचएस। और यार आप लोग क्वारंटीन सीरीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर लोग कह रहे थे कि क्वारंटीन सीरीज़ इज़ द बेस्ट सीरीज़ मेरी अभी तक की। तो आप सबका शुक्रिया मेरी तरफ से, अम्मी चीज़ें बना रही हैं उनकी तरफ से और अब्बू की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका भाई शुक्रिया कि आप क्वारंटीन सीरीज़ को इतना मतलब पसंद कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। और हसन की तरफ से भी शुक्रिया। हसन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया। पिछली वीडियो में हसन आया तो लोग पूछ रहे थे कि ये मेरा सगा भाई है, कौन है, क्या तो कोई और है हमारे घर में आए हुए? नहीं सर, कहाँ से आया था हमारे घर में? अच्छा, पिछली वीडियो में हसन आया तो अक्सर लोग पूछ रहे थे कि क्या हसन तुम्हारा सक्का भाई है या दोस्त को बुलाया हुआ है। तो क्योंकि हम पहले जितनी भी वीडियोस में हसन मेरे साथ है हम कहीं बाहर ही फिर रहे होते थे तो भाई हसन मेरा सक्का भाई है, एक नंबर एक नंबर। अच्छा वैसे आप लोग अपने भाई की ज़रा एक नई चिकनी लुक को नोटिस नहीं कर रहे तो ये अब्बू ने मुझे कहा कि भाई ये ज़रा अपना थोड़ा हुलिया, मेरी असल में वो थोड़ी अजीब सी आई हुई थी शेप बड़ी हुई थी तो अब्बू ने कहा बेटा थोड़ा हुलिया अपना सुधारो। मैं कहा हाजिर, ऐसे और ऐसे। और ये आपके भाई की है नई चिकनी किस्म के लुक, मुझे बताना भाई कैसा लग रहा है इस चिकनी लुक में। अच्छा तो भाई आज मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे पता लगा है कि आज इतनी एक मज़ेदार चीज़ बन रही है, मतलब इतनी मज़ेदार। अम्मी जो चीज़ें बनाती हैं वो उनमें से मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ है। आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार किस्म की वाइट हांडी जो अम्मी बनाती हैं बहुत अरसे से, और बड़ी क्रीमी और बड़ी बटरी किस्म की वाइट हांडी, जिस तरह आप अक्सर अगर रेस्टोरेंट्स में आपने खाई है एक नस्ली किस्म की वाइट हांडी जड़ी होती है, आज वो बन रही है। और उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से बनेगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे और वो कितनी देर में बनेगी, और फिर उसको आपका भाई उसे खा के भी बताएगा कि वो कैसी बनेगी। फिलहाल तो आज मेरे मुंह से ही पानी आ रहा है कि आज बन रही है बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़। वाइट बोनलेस हांडी के लिए सबसे पहले छोटे 3-4 प्याज लेने हैं और उसको इस तरह आग पे हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद आपने जो चिकन है आपका, मैं हम लोग 1 किलो आज बना रहे हैं तो मैं 1 kg बोनलेस की आपको रेसिपी दूंगा कि उसके अंदर इतनी चीज़ें डलेंगी, सही है। और उतनी देर में आपने अपना चिकन वगैरह धो के उसको फ्रेश करके सामने रख लेना है और प्याज को इतना बॉयल करना है कि वो बिल्कुल नरम जब तक हो जाए तब तक उसे आपने पानी से निकालना नहीं है। खैर उसके बाद प्याज को निकालना है, अलग करना है और उसको चिकन एक जिस भी चीज़ में आप बनाते हैं उसमें चिकन रखना है, उसके अंदर प्याज रखना है और देन उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने उसके ऊपर डालना है वाइट पेपर, एक आपको चाहिए मतलब सफ़ेद मिर्ची बोलेंगे ना, हाँ वाइट पेपर का एक स्पून। अगर आप इसको बाद में टेस्ट चेक कर सकते हैं ना, हैं पकाते हुए आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 चम्मच डाला है। ग्रीन चिली का मतलब हरियाँ मिर्चा का जेड़ा तुसी घोट के उन्हें वह पेस्ट बनाया होंगे उस पेस्ट का 1 स्पून वो डालना है, लहसुन अदरक के पेस्ट का 1 स्पून डालना है। उसके बाद आपने हसबे ज़रूरत या हसबे जायका आपने नमक डालना है जितना आप लोग डालते हैं, और उसी टाइम जब वो चूल्हे पे नहीं है उसी टाइम उसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करना है। उसके बाद उसके अंदर जो है आपने एक इतनी सी प्याली दही की डालनी है, और अम्मी ने क्या कहा है कि इसके अंदर ही आपने इसी दही के अंदर ग्रेवी बनानी है और इसी के अंदर पकाना है, कोई पानी ऑयल और नहीं डालना, सही है। ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद लेके इसको आग के ऊपर ऐसे ढक्कन बंद कर देना है। और अम्मी कितनी देर के लिए करना है? थोड़ी देर, इसको चेक करते रहना है कि ये आपके मतलब आप अगर घर में बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये चेक कैसे करते रहना है। भाई गर्मी का ज़ोर इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह किसी तरह कोई थोड़े बहुत बादल आ जाएं और कोई बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है भाई। ये इस टाइम बादल हल्के हल्के आए हुए और धूप फुल है, लेकिन ये वो वाले बादल नहीं है कि इससे हम एक्सपेक्ट करें कि कोई बारिश या छांव का कोई सीन होगा। भाई लगता है गर्मी शिद्दतों पे शुरू हो रही है भाई। अच्छा जब ये स्टेज पे आ जाएगा पकने के बाद तकरीबन 80% to 90% ये रेडी है। उसके बाद अम्मी इसके ऊपर ज़ीरा छिड़क रही हैं ना,
हाँ जीरा छिड़क रही है। खैर अभी ढक्कन खोलने के बाद इसके ऊपर जो है वो ऑयल दोबारा से थोड़ा सा डाला है ताकि वो उसकी ऐसे एक बेहतरीन सी शक्ल जो इस टाइम नज़र आ रही है ना, आय हाय 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 हाय। उसके बाद सूखा धनिया होता है ना, सूखा धनिया हाँ, वो उसका जो कुटा हुआ धनिया वो उसका पाउडर ऊपर डालना है, उसको इस तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसे 5-10 मिनट के लिए फिर से उसका ढक्कन बंद कर देना है। फिर उसके बाद एक सही खुशबुओं के साथ आपने उसका ढक्कन उठाना है। उसके अंदर जो नेस्ले की एक क्रीम का पैकेट होता है, इतना सा पैकेट एक क्रीम का मिलता है जो मुंह तो लाना ली नहीं भाई, वो क्रीम का पैकेट आपने उसके अंदर डालना है अच्छी तरह पूरा। क्रीम डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एवं नहीं कि बोटियाँ ही टूट जाएं, मतलब इसको ज़रा पोले पोले हत्था ना ले लूँ, मिक्स कर लेना क्रीम नू। मैं तो पहले ही ओहो हो करी जा रहा था, इसकी शक्ल तो असल अब निकली है। इसमें क्रीम मिक्स कर दी है और क्रीम मिक्स करने के बाद ऊपर जो है वो कटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, और उसके बाद अब ये धनिया इसके अंदर ये गार्निश हो रहा है। हाँ अब इसको दम देना है कि यकदम देना है। कौन? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन कौन ये जी? हमारे इस्लाम भाई आपके ऊपर इस टाइम कैमरा है। क्या लेके आए हो? ये नान के छोटर। अच्छा ये इस्लाम भाई सलाम तो कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दिन चल रहे हैं आपके आज? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी जी। मतलब फारिग होते हो कि काम शाम कर रहे हो? बस फारिग आजकल। अच्छा, फारिग है जी। ये इस्लाम भाई अभी लेके आए नान, इतनी मजे का जो खाना बन रहा है उसके लिए शुक्रिया इस्लाम भाई। चलो जी अम्मी खोल दो इसको। फाइनल लुक इज हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। ओ हो, ये जो हल्की हल्की ऊपर ऑयल और साथ में वाइट ग्रेवी और साथ में ये जो चिकन के मज़े, आए हाय हाय। यार क्या कमाल किस्म की इसकी शक्ल बनी है। और वैसे मैं थोड़ी सी टेस्ट कर चुका हूँ और मतलब इसका जायका, वो जिसको कहते हैं ना कि मुंह के अंदर पानी भर जाता है, इसका वो वाला जायका है। खैर इधर हसन ने भी ट्राई कर लिया, कैसी लगी? बहुत मज़े की हैं। बहुत कितनी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। वैसे कल हसन के लिए काफ़ी कमेंट्स थे, मैं नीचे पढ़ रहा था, वाम कहती हसन इज़ सो क्यूट। अच्छा खैर अभी मैं ये खा के आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट क्या फील करवाता है। आज जिस तरह आपको पता है कि है तो बहुत सिंपल सी और बड़ी इजी किस्म की रेसिपी है, इसको कोई भी अगर आप मतलब मेरी इस एपिसोड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इजीली इसको बना सकते हैं चुटकियों में। और इसकी जो लुक आ रही है, जिस तरह किसी बड़े हाई लेवल के किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आप अगर वाइट हांडी मंगवाते हैं तो उस तरह की इसकी जो है वो लुक आ रही है, बड़ी शाइनी बड़ी क्रीमी। और अभी साथ में इसके जो मेरे पास नान है ना, आए हाय हाय, असल मज़ा जो है अक्सर वैसे मुझे जो है कढ़ाई वगैरह के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, लेकिन हांडी के साथ नान जो मज़ा करवाएगा ओहो। और जिस तरह ये इसकी फ्रेशनेस का लेवल इतना कोई हाई है, क्योंकि ये थाई का सारा बोनलेस है और थाई का बोनलेस आपको पता है वैसे ही बड़ा सॉफ्ट किस्म का होता है, बीच में थोड़ा सा वो चेस्ट का भी है लेकिन ज़्यादा थाई का है, और साथ में ये ऑयली और क्रीमी। ओए होए भाई, कोई क्या कमाल किस्म की चीज़ बनी हुई है, जिस तरह इतना क्रीमी और इतना बटरी आपको फ्लेवर आता है, और साथ में जो इसके मतलब क्रीम का वाइट पेपर का बाकी जो फ्लेवर्स मिक्स हो रहे हैं, ये मस्ट ट्राई। बड़ी बड़ी जगह खाना खाया भाई, तुर्की दुबई। हसन कैसी लगी है दुबई और तुर्की में? कहाँ कहाँ तू खाने खाया मेरे साथ, कैसी लगी है? बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी और सॉसी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दुबई में खाने खाए, तुर्की में खाए, बलूचिस्तान के पी के पंजाब, लेकिन घर के और अम्मी के हाथ के खाने और ये वाली वाइट हांडी कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मस्ट ट्राई है भाई। अगर आपने मेरी पिछली जो क्वारंटीन सीरीज़ के एपिसोड हैं उनमें से अगर कुछ ट्राई किए, अक्सर लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेंड कर रहे थे, उन्होंने चिकन बनाया था और बड़ा अच्छा लोगों का बना हुआ था, तो ये वाली मस्ट ट्राई है भाई। इसके लिए कोई बहुत बड़ी वो आपको जो है ना कोई नासा वाली साइंस नहीं चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी चिकन सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिक्स करना है और जो तरीका आपको बताया उससे बनाना है और खाना भाई। और यकीन करो इसके बाद शायद ही कोई वाइट हांडी आपको बाहर से कहीं से पसंद आए, इतनी ज़्यादा क्रीमी। आ हा 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 हा। ऐसा फ्लेवर ऐसे करने का दिल करता है कि कुछ भी जो है ना वो ऐसे मज़े मज़े से आता ही है। लोग अक्सर हाइट का पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट क्या है, तो मैंने कहा आज अपनी हाइट भी बता दूं, 6.4 फिट, हाँ 6.4 फुट दाम है। और खैर जी ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा
क्वारंटीन सीरीज का पार्ट 3 एपिसोड 3 और बड़ा एक छोटा सा और बड़ा अगर मज़े का तो आप बताएंगे लगा कि नहीं लगा। और आपका मेज़बान आरएचएस आपसे चाहता है इजाज़त। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में भी बताना है और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। इंस्टाग्राम तो भाई मस्त है फिर। और ओके जी ख़वातीन हज़रात, फिर मिलते हैं कल या परसों अगले एपिसोड में। By the way, ये जो है ये शपैकी का टॉय पड़ा हुआ है, तो सॉरी आज मैं आपको शपैकी से मिलवा नहीं पाया क्योंकि शी इज़ स्लीपिंग। बड़े प्यार से बड़े मन मौजी तरीके से नींद पूरी कर रही है, तो मैंने कहा उसको आज ना उठाऊँ, कल मिलवाऊँगा।